नमस्कार दोस्तों, अगर पुलिस आपकी FIR रजिस्टर नहीं करती है तो क्या आप पुलिस के ऊपर FIR रजिस्टर करवा सकते हैं? क्या आपकी FIR पुलिस रजिस्टर नहीं की है? क्या यह सही प्रक्रिया है और क्या ऐसा करना चाहिए? और क्या यह संभव है कि इस आधार पर FIR रजिस्टर्ड हो जाएगी पुलिस वालों के ऊपर? कब आपको पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए FIR रजिस्टर करने के लिए एप्लीकेशन देना चाहिए? ये सारी जानकारी आज मैं देने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को ध्यान से बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपके साथ कोई घटना होती है जिससे कोई संज्ञेय प्रकृति का अपराध बनता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, तो ही आपकी FIR रजिस्टर्ड होगी। आप थाने पर जाते हैं, FIR रजिस्टर करने के लिए एप्लीकेशन देते हैं। अगर पुलिस को यह लगता है कि हाँ ये घटना सही है, आपकी FIR दर्ज कर ली जाती है तो कोई बात नहीं, नहीं दर्ज होती है तो आपको जिले के SP को प्रार्थना पत्र देना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आप प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। उसके बाद भी अगर FIR रजिस्टर्ड नहीं होती है तो उस सिचुएशन में फिर आपके पास ऑप्शन होता है 156(3) CRPC में आप प्रार्थना पत्र दे दें। लेकिन अगर थाने पर आप गए और आपकी FIR रजिस्टर्ड नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? पुलिस वालों के ऊपर ही FIR दर्ज करवाने के लिए एप्लीकेशन दे देंगे? फिर जिले के SP के पास आप जाते हैं, आपकी FIR रजिस्टर्ड नहीं होती है उसके बाद भी, तो आप SP के ऊपर भी एप्लीकेशन दे देंगे FIR रजिस्टर्ड करने के लिए कि इन्होंने भी FIR रजिस्टर्ड करने का आदेश नहीं दिया? तो फ्रेंड्स, गलतफहमी नहीं, सही जानकारी रखिए। आप अगर थाने पर जाते हैं, आपकी FIR रजिस्टर्ड नहीं होती है, जिले के SP के पास जाते हैं, FIR रजिस्टर्ड नहीं होती है, तो उस सिचुएशन में अगर मामला ऐसा है कि गंभीर प्रकृति का है तो आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं और आर्टिकल 226 में मैंडमस की रिट के लिए प्रेयर कर सकते हैं कि संबंधित पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी जिले के SP को यह आदेश किया जाए कि हमारी FIR रजिस्टर्ड हो जाए, या 156(3) CRPC में आप प्रार्थना पत्र दे सकते हैं अगर अपराध कोई सामान्य प्रकृति का है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास कोई है। लेकिन अगर आपकी FIR पुलिस ने रजिस्टर्ड नहीं की है तो उस सिचुएशन में आप उनके ऊपर FIR रजिस्टर्ड करने के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप थाने पर जाते हैं, आपके साथ दुर्व्यवहार होता है, आपके साथ गाली गलौज करते हैं, पुलिसकर्मी मारपीट करते हैं, आपसे गलत तरीके से पैसे की मांग करते हैं, तो उस सिचुएशन में आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप जिले के जो भी पुलिस के उच्चाधिकारी हैं उनको प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और फिर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं ऐसे पुलिसकर्मियों के विरुद्ध FIR रजिस्टर्ड करने के लिए। क्योंकि FIR रजिस्टर्ड ना करना एक अलग बात है कि पुलिस को अगर पॉइंट्स नहीं मिले या लग रहा है कि घटना संदेहास्पद है तो उस सिचुएशन में आपकी FIR रजिस्टर्ड नहीं हुई। लेकिन अगर उनके द्वारा अवैध रूप से धन की मांग की जाती है, आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, गाली गलौज की जाती है, तो उस सिचुएशन में आपके पास ऑप्शन है कि उनके विरुद्ध आप उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, उनके विरुद्ध विभागीय जाँच शुरू हो सकती है, उनको सस्पेंड किया जा सकता है और उनका स्थानांतरण भी किया जा सकता है, FIR भी रजिस्टर्ड हो सकती है। लेकिन जो पॉइंट्स मैंने बताए कि आपके साथ अगर दुर्व्यवहार किया जाता है, धन की मांग की जाती है, गाली गलौज की जाती है, तो अदरवाइज केवल FIR न दर्ज करने के आधार पर आप पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र नहीं दे सकते हैं। आपकी अगर FIR रजिस्टर्ड हो जाती है, विवेचना सही से नहीं होती है, तो उसके लिए भी सेम प्रक्रिया है कि आप पुलिस के उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। इस आधार पर जाँच की जाएगी और उसके बाद ऐसे पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी आप अगर पुलिस का विवेचना अधिकारी सही से जांच नहीं करता है तो आप उसके ऊपर FIR रजिस्टर्ड करने के लिए प्रार्थना पत्र इस तरह से नहीं दे सकते हैं। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। 197 CRPC का प्रोडक्शन इसीलिए बनाया गया है कि गलत तरीके से पुलिसकर्मियों के विरुद्ध या किसी लोक सेवक के विरुद्ध कोई कार्रवाई, कोई प्रार्थना पत्र, कोई एप्लीकेशन इस तरह से देकर FIR रजिस्टर्ड ना हो। तो फ्रेंड्स, सही जानकारी लीजिए ताकि आप भी परेशानी से बचें और दूसरों को भी परेशानी से बचाएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें, भविष्य में ताकि आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिलते रहें।